नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा नक्षत्र क्या होता है और ज्योतिष में इसकी क्या उपयोगिता होती है। लेकिन इस जानकारी से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएँ, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय, नक्षत्र क्या होता है, किसे नक्षत्र कहते हैं और ज्योतिष में इसकी क्या उपयोगिता होती है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको भचक्र के बारे में बताया कि भचक्र क्या होता है। भचक्र 360 डिग्री का माना गया है, ऋषियों ने इसे 360 डिग्री का माना है और ये प्रकाश का एक वृत्त है, मतलब एक सर्कल है और इसका ना कोई आरंभ है ना कोई अंत है। अब इस भचक्र को, इस सर्कल को, वृत्त को नापने के लिए एक काल्पनिक बिंदु माना गया है, ऋषियों ने काल्पनिक बिंदु माना है और उस काल्पनिक बिंदु को शुरू करते हैं अश्वनी नक्षत्र की 0 डिग्री से। दोस्तों, नक्षत्रों को हमेशा एक सीक्वेंस में ही लिया जाता है, तो पहला जो नक्षत्र है वो अश्वनी नक्षत्र है। तो अश्वनी नक्षत्र की 0 डिग्री से इसको शुरू माना गया है भचक्र को और अंत इसका रेवती नक्षत्र पर माना गया है। अब जब 360 डिग्री के इस भचक्र को 27 बराबर भागों में बांटा तो हर एक नक्षत्र का जो माप हुआ वो हुआ 13 डिग्री 20 मिनट। अब हर एक नक्षत्र को, मतलब जब भचक्र को 27 नक्षत्रों में बांटा, तो ज्योतिष में हम 27 नक्षत्रों को ही लेते हैं, तो पूरे भचक्र को 27 नक्षत्रों में जब बराबर बराबर बांटा तो हर एक नक्षत्र का माप आया 13 डिग्री 20 मिनट और फिर हर एक नक्षत्र को बराबर 4 भागों में बांटा, तो हर एक भाग का जो माप आया वो आया 3 डिग्री 20 मिनट और इसको चरण भी कहते हैं, पद भी कहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो हर एक चरण का माप हुआ 3 डिग्री 20 मिनट, ये हमेशा फिक्स होता है। अब जब 360 डिग्री के भचक्र को 3 डिग्री 20 मिनट से भाग किया तब आई संख्या 108, मतलब पूरा जो भचक्र है उसमें 27 नक्षत्र है, हर एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का है और हर एक नक्षत्र को 4 भागों में बांटा और 4 भागों में बांटने पर हर एक नक्षत्र का जो चरण आया वो आया 3 डिग्री 20 मिनट का। अब दोस्तों, जब नक्षत्र को, नक्षत्र जो शब्द है उसका पदच्छेद करते हैं तो शब्द आता है सबसे पहले नक्ष, नक्ष का मतलब होता है आकाश और फिर आता है दूसरा शब्द क्षेत्र, मतलब हुआ कि आकाश का मानचित्र। तो इससे क्या पता लगता है, नक्षत्र का मतलब होता है आकाश का मानचित्र, उस समय पर कैसी पोजीशन नक्षत्रों की थी, आकाश में कैसी पोजीशन थी। कुछ विद्वान इसे नक्ष जमा तारा बराबर नक्षत्र भी कहते हैं। नक्षत्र जो होता है वो आकाशीय ताराओं का एक मानचित्र है
ऐसा भी कहा जाता है कि जिस तरह से अक्षर अक्षर जो क्षरित नहीं होता, उसी तरह से नक्षत्र भी जो नष्ट ना हो ऐसी ज्योति मानी जाती है। हमारे जो प्राचीन ऋषि थे, उन्होंने आकाशमंडल के जो तारा समूह हैं, आकाशमंडल में अनगिनत तारे हैं, तो उन और हर तारे मिलकर एक समूह बनाते हैं, कुछ तारे मिलकर एक समूह बनाते हैं। तो प्राचीन ऋषियों ने आकाशमंडल के जो तारा समूह हैं उनको नक्षत्रों में बांट दिया और ग्रह स्थिति की जो जटिल गणना थी उसको बहुत ही आसान और सटीक बना दिया। तो ग्रहों का जब भी विश्लेषण किया जाता है उसके लिए जब नक्षत्रों का विचार किया जाता है तो गणना बहुत ही सटीक आती है। नक्षत्रों के बिना ग्रहों की गति जानना असंभव है। ऐसा भी माना जाता है कि जो इम्पोर्टेंस हमारे शरीर में हमारी आंखों की है, वही इम्पोर्टेंस ज्योतिष में नक्षत्रों की है। मान लीजिए कि अगर ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा जाता है, तो इसी तरह से नक्षत्र को ज्योतिष की आंखें कहा जाता है। हमारी जो जीवन यात्रा होती है किसी भी मानव की, वो जन्म से शुरू होती है और मृत्यु तक चलती है, और पूरी की पूरी यात्रा इन नक्षत्रों से होकर ही गुजरती है। ये नक्षत्र जीवन के महत्वपूर्ण जो पड़ाव हैं उनको दर्शाते हैं। मैंने आपको बताया अभी कि हर एक नक्षत्र तारों का एक समूह होता है। आकाशमंडल में अनगिनत तारे हैं और कुछ तारों का एक समूह माना जाता है जिसे नक्षत्र का नाम दिया गया है। ये जो तारों का समूह बनता है उससे एक विशेष प्रकार की आकृति बनती है। हर एक नक्षत्र का अपना एक देवता होता है, हर नक्षत्र का अपना अलग स्वभाव और कार्यशैली होती है, हर नक्षत्र की अपनी कार्य पद्धति होती है, हर नक्षत्र का लिंग होता है, जैसे स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। हर एक नक्षत्र शरीर के किसी न किसी अंग पर इसका आधिपत्य है, जैसे हर एक नक्षत्र शरीर के किसी न किसी अंग को दर्शाता है और उस पर अपना प्रभाव डालता है। जैसे मान लीजिए अश्विनी नक्षत्र है, तो इसका जो अंग है हमारे शरीर में घुटना है, तो अश्विनी नक्षत्र का जो प्रभाव पड़ेगा वो हमारे घुटनों पर पड़ता है। हर एक नक्षत्र त्रिदोष मतलब वात पित्त कफ, इनमें से किसी एक का प्रतिनिधि माना जाता है। जैसे अश्विनी नक्षत्र को वात मतलब वायु का प्रतिनिधि माना गया है। हर एक नक्षत्र की अपनी दिशा होती है। हर एक नक्षत्र किसी न किसी व्यवसाय के बारे में बताता है। मान लीजिए जातक का जन्म किसी भी नक्षत्र में हुआ, तो वो अपने नक्षत्र के अनुकूल जो नक्षत्र के अनुकूल कार्य बताए गए हैं, अगर उन कार्य को करता है तो वो उनमें जल्दी सफल हो जाता है। हर एक नक्षत्र ये भी बताता है कि उस नक्षत्र के समय पर कौन सा कार्य करना है और कौन सा कार्य नहीं करना है। किसी भी व्यक्ति का जब नाम रखा जाता है, कुछ लोग तो सिर्फ वैसे ही नाम रख देते हैं बिना कुंडली दिखाए, लेकिन आजकल ज़्यादातर लोग पहले कुंडली बनवाते हैं और फिर पूछते हैं कि भी कौन सा अक्षर निकला, उसके हिसाब से नाम रखते हैं। तो ये नाम का जो पहला अक्षर जो निकलता है ये भी जन्म नक्षत्र के अनुसार ही निकलता है। जब जन्म कुंडली बनाई जाती है तो उसके अंदर जो भी ग्रह है वो ग्रह किसी न किसी नक्षत्र में ही स्थित होता है। हर एक राशि में
सवा दो नक्षत्र आते हैं। मतलब कोई भी राशि बनी, मान लीजिए मेष राशि है, तो हर राशि के अंदर सवा दो नक्षत्र आते हैं। मतलब एक नक्षत्र हुआ चार चरण का, हर एक नक्षत्र के चार चरण होते हैं, तो दो नक्षत्र के आठ चरण हो गए, और फिर उससे अगला जो नक्षत्र हुआ उसका एक चरण हो गया, तो ऐसे नौ चरण एक राशि में आते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको नक्षत्रों के बारे में और उनकी उपयोगिता के बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।